top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. कल रात की चेकिंग में थाना 20 के अंतर्गत एक 10 टायर ट्रक था और उसमें जो लोग थे उनके पास कोई कागज नहीं था, तो जब विस्तृत पूछताछ की गई तो यह जानकारी में आया कि ये बड़ी गाड़ियों को, बड़े ट्रकों को जिसमें 10 टायर वाले आते हैं और कैंटर गाड़ियां आती हैं, इनको ये चुराते थे। आवश्यकता पड़ने पर कहीं कहीं इन्होंने बल प्रयोग का भी अपना मन बना रखा था, तो इस प्रकार से इनको अरेस्ट किया गया, इनसे वो गाड़ी बरामद की गई। इनकी निशादेही पर चार और इनसे बड़ी गई जिसमें 10 टायर ट्रक भी शामिल है। तो इनका मॉडस ऑपरेंडा ये था कि सुनसान जगह पर जो गाड़ियां खड़ी हैं उसमें ये चोरी कर लेते थे या आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग भी करते थे और इस प्रकार से इस घटना को कारित किया करते थे। देखिए, इसमें ये निकल के आई कि इन लोगों का प्रयास ये रहता था कि हम इसको आगे कहीं बेचें या कटवा दें, और इसके लिए इन्होंने जो इसका चेजिस नंबर था, इंजन नंबर था, उसको ये लोग बदल देते थे, और बदलने के लिए इनके पास ड्रिल मशीन, इनके पास वो एक इस प्रकार के उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट छोटा सा बना रखा था जिससे ये नया नंबर भी डाल देते थे, मतलब उसको उस पर छाप देते थे, और जो पुराना नंबर होता था उसको ये घिस करके, रगड़ करके हटा भी देते थे। जिन पेपरों में इन्होंने, जैसे नागालैंड का नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है लेकिन उस पर मोहर उत्तर प्रदेश की लगा रखी थी, इस प्रकार से गलत कागज बनाना, गलत तरीके से चेजिस नंबर, इंजन नंबर को बदलना, उस पर गलत नंबर डालना और अपनी सुविधा से इसको आगे बेचना या कटवाने का प्रयास करना। दिल्ली में इनका इस प्रकार का एक जानकारी आई है कि किसी स्थान पर, एक अमुक स्थान है जो हमारी जानकारी में आ गया है, उस पर जाकर के ये लोग उसको कटवाने का भी प्रयास करते थे और कटवाया भी इन्होंने। तो ये इनकी एक कार्यप्रणाली रही है, इसको पकड़ लिया गया। इनके पास से दो कट्टे और चाकू भी मिले हैं और अब अग्रिम पूछताछ की जा रही है। जो एक ट्रक इनसे मिला है उसमें से एक ट्रक राजस्थान में चोरी था जो कि कनेक्टेड भी है, शेष ट्रकों को हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत शीघ्र ही इनसे और आगे इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक इस पूरे घटनाक्रम को ले जाएंगे। बस इससे नहीं, बहुत बुरी आदमी।